का पेस्ट है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और कानपुर के एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से वेलकम है। तो आज हम लोग आए हैं दबौली में और यहाँ पर एक शॉप है गणेश साउथ इंडियन फूड की और ये आपको दबौली में मिलेगी। तो चलिए पहले यहाँ की लोकेशन दिखाते हैं आपको और फिर चल के फूड का मज़ा लेंगे। आज यहाँ कौन सा फूड हम लोग ट्राई करने वाले हैं ये तो शॉप पर चल के पता चलेगा और शॉप पर चल के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको लोकेशन क्या है यहाँ की। तो चलिए गाइस देखते हैं लोकेशन की आपको शॉप कहाँ पर मिलेगी। तो गाइस चलिए देखते हैं शॉप की लोकेशन। तो शॉप की लोकेशन देखने से पहले शॉप का पूरा नाम बताते हैं, न्यू गणेश साउथ इंडियन फूड और ये आपको दबौली में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं शॉप की लोकेशन। तो ये जो रोड आ रही है दबौली वाले स्टैंड की तरफ से आ रही है, जब आप दबौली वाले स्टैंड से इधर आ रहे होंगे मार्केट के लिए और आगे दबौली का बड़ा चौराहा बना हुआ है, तो जब दबौली स्टैंड से आप दबौली बड़े चौराहे के लिए आ रहे होंगे तो शॉप आपको लेफ्ट साइड पर पड़ेगी, और जब आप इधर से आ रहे होंगे दबौली वाले बड़े चौराहे से दबौली वाले स्टैंड के लिए तो ये जो शॉप है आपको राइट हैंड में मिलेगी। और यहाँ पर साउथ इंडियन फूड मिलते हैं, डोसा हो गया, इडली हो गया, उत्पम हो गया। तो चलिए चलते हैं शॉप पर और बात करते हैं और लेते हैं यहाँ के फूड का मज़ा। तो गाइस चलिए शॉप पर आ गए हैं तो बात कर लेते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? बालाजी राघवन। और ये जो आपकी शॉप है फिलहाल यहाँ कब से लग रही है? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, 10 साल से आप लोगों को डोसा और उत्पम और इडली वगैरह खिला रहे हैं। हाँ सब। और टाइमिंग क्या आपकी शॉप की? शाम को 4 बजे से 11 बजे रात को, 4 बजे से 11 बजे तक। और अवेलेबल क्या क्या है आपके यहाँ पर? हमको डोसा है, इडली है, उत्पम है और पनीर मसाला है, सिर्फ पनीर है, मक्खन का है, सब है। तो डोसा की काफ़ी वेराइटी है आपके पास। तो आज आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे मुझे खिलाने के लिए? आपके लिए उत्तम खिला देंगे। उत्तम खिलाएंगे मतलब मज़ा दे के भेजेंगे, बिना मज़े के दे आप मज़ा आएगा भैया खा के देखना। तो प्राइस क्या है आपके डोसे और इडली और उत्तम का? इडली के लिए 20 का और मसाला डोसा 50 रुपये, सिर्फ ऑनियन उत्तम 70 रुपये, पनीर मसाला 70 रुपये, मतलब जो उत्तम है वो 70 रुपीज़ का है। और अनियन का अलग और कौन सा है? ऑनियन पनीर मिक्स है। अच्छा अच्छा, आपका कौन सा जो है? टमाटर है, सब का अलग अलग। तो गाइज हम लोग आज तो आप क्या खिलाना उत्तम खिलाना चाहेंगे? प्याज और टमाटर और पनीर मिला के आपका खिला देंगे उत्तम। उत्तम 70 रुपये में आप। तो गाइज हम लोग आज उत्तम ट्राई करने वाले हैं, तो चलिए पहले उत्तम की मेकिंग देखेंगे और उसके बाद आपके साथ टेस्ट शेयर करेंगे। और उत्तम फिलहाल बहुत कम मिलता है जगहों पर, आप भी आइएगा ट्राई करने। तो पहले मेकिंग देखते हैं फिर खा के टेस्ट शेयर करते हैं। और ये दबौली बड़े चौराहे के जस्ट थोड़ा बगल में ही आपको शॉप मिलेगी, ज़्यादा दूर नहीं, दबौली से जैसे दबौली ले चौराहे से हल्का सा आगे चलेंगे स्टैंड के लिए तो लेफ्ट राइट साइड पर आपको शॉप मिल जाएगी। तो चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो रही है, अब देखते हैं मेकिंग। और ये डोसे का पेस्ट है, और प्याज है और टमाटर है। और पनीर है। आप रिफंड थोड़ा इसके लिए टाइम लगता है पकाने के लिए, थोड़ा मोटा है ना इसलिए डोसे के लिए इसका ज़्यादा टाइम लगता, ज़्यादा टाइम लगता तो अच्छे से सीख जाएगा उत्तम। गाइस इसकी जो लेयर नीचे जो इसका बेस होता है वो थोड़ा डोसे से मोटा होता है, इसलिए इसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। डोसा बहुत जल्दी रेडी हो जाता है लेकिन उत्तम में टाइम लग रहा है। उसकी आप लेयर देख सकते हो जो नीचे है वो कितनी मोटी है, तो इस वजह से इसको टाइम लग रहा है, तो वेट करते हैं जब तक ये पक रहा है। तो गाइस पलटने के बाद आप देख सकते हैं नीचे जो बेस था एकदम रेड हो गया है, तो समझ में आ रहा है कि क्रिस्पी होगा काफ़ी ज़्यादा और खाने में मज़ा आने वाली है आज तो। देख सकते हैं अभी अपना जो उत्तम था वो एक बार और पहले इससे पहले पलटा गया था, लेकिन अब पलटा गया तो इसके जो ऊपर पनीर वगैरह डाली गई थी वो हल्की हल्की रेड हो गई है और फ्राई हो गए हैं इसमें पनीर वगैरह जो पड़े हुए थे।
तो ऊपर का भी मटेरियल इसका थोड़ा थोड़ा पक गया है, तो वेट करते और थोड़ी देर लगेगी भी इसमें। अभी बाकी है भैया, पूरा तैयार हो गया आपके लिए। सो गाइस अपना उत्पम रेडी हो गया, अब चलते हैं प्लेटिंग देखते हैं, प्लेटिंग होने जा रही है इसकी। ठीक है, मसाला थोड़ा है चटपटा होने के लिए। पीछे तरफ का काटना है, प्लेट दे दो। और अब प्लेटिंग होने जा रही है। तो ये आ गया उत्पम, और इसके बाद इसमें चटनी वगैरह मिलने जा रही है, तो देखते हैं। और ये ऊपर से पनीर गार्निश करी जा रही है इस पर। ये गरम गरम सांभार है, साउथ इंडियन स्पेशल सांभार है, हमारा खुद का मसाला बनाता है। ये नारियल का चटनी है, नारियल का चटनी है। भैया अब टेस्ट करके बताएं। सो गाइस फाइनली रेडी हो चुका है अपना उत्पम, प्लेटिंग कंप्लीट, तो चलिए खाते हैं और टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। सो गाइस फाइनली रेडी होके आ चुका अपना उत्पम, तो चलिए खाते हैं और टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। और उत्पम फिलहाल तो नहीं मिलता जल्दी कहीं, डोसा तो आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा लेकिन कानपुर में उत्पम बहुत ही कम मिलता है, तो चलिए खाते और टेस्ट शेयर करते हैं। सांभर तो बहुत ही गर्म गर्म था, जब ढक्कन हटाया गया था देखा था हमने, पूरे धुआं उड़ता दिख रहा था। तो चलिए खाते हैं पहली बाइट उत्पम की। एक दो बाइट और खाते हैं फिर टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। और सांभर का टेस्ट अच्छा आएंगे। चटनी भी ट्राई कर लेते हैं। चटनी बहुत गजब की बनी है। सो गाइस जो डोसा बनाया जाता है उसका जो मटेरियल होता है चावल वाला जो बनाया जाता है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद डोसे की लेयर जो होती है वो पतली होती है क्योंकि तभी खाने में मज़ा आता है। लेकिन आपने मेकिंग देखी है, उत्पम जो था वो काफ़ी उसकी मोटी लेयर है और उसको पकाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। डोसा इतनी देर नहीं पका जाता, उत्पम काफ़ी टाइम पकाया गया इसे। और इसके बाद इसको जब पलट दिया गया था तो इसके जो ऊपर मटेरियल आ रहा गया था सारा वो भी पक चुका है, उस पर ऊपर अनियन और टमाटो वगैरह डाला गया था और इसके बाद ऊपर से पनीर भी डाला गया था। तो जब इसको पलटा गया था तो इसके पनीर वगैरह की जो ऊपर सारी लेयर पड़ी थी वो भी फ्राई हो गई थी और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था। ऊपर से क्रिस्पी हो चुका है और नीचे से इसकी पूरी लेयर क्रिस्पी हो गई थी। जब मेकिंग देख रहे थे हम लोग तो इसकी जो लेयर थी नीचे से वो बिल्कुल रेड हो गई थी जब ये अपना उत्पम जब पलटा गया था। तो चलिए एक दो बाइट और खाते हैं फिर टेस्ट फाइनली शेयर करते हैं। मस्त बना हुआ है और टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा लगा और प्राइस 70 रुपीज़ है। और इसके बाद जो लेयर है वो क्रिस्पी हो चुकी है ऊपर और नीचे दोनों, जिस वजह से खाने में और टेस्ट आ रहा। और चाट मसाला डाला गया था ऊपर से, देखा होगा आपने चाट मसाला, उसको पूरा जब अपना रेडी हो जाता उत्तम उसके बाद डाला गया था ऊपर से चाट मसाला और इसके बाद सांभर वगैरह दिया गया था और ऊपर से पनीर फिर से गार्निश करी गई थी। तो बहुत ही बेस्ट टेस्ट लगा और जो लेयर है वो बहुत क्रिस्पी है, खाने का मज़ा तभी आता जब लेयर क्रिस्पी मिले और पिज़्ज़ा वगैरह की तरह के। तो ठीक है फाइनली अपना उत्पम ख़त्म करते हैं, टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा, आप भी आइए ट्राई करते हैं। डोसा वगैरह भी अवेलेबल है हर एक चीज़। तो गाइस बहुत बेस्ट टेस्ट लगा और चटनी जो इनकी है वो उसमें खट्टापन है बहुत अच्छा, क्योंकि जो नारियल की चटनी होती है फिलहाल अगर उस पर हल्का हल्का खट्टापन नहीं आता तो मज़ा नहीं आती खाने में। तो चटनी भी बहुत अच्छी है और सांभर भी टेस्ट अच्छा लगा। तो ठीक है आ सकते हैं आप लोग भी ट्राई करने, दबौली में अगर रहते हैं तो ठीक, नहीं रहते तो भी आइएगा ट्राई करने, तो और टेस्ट वगैरह बहुत बेस्ट है। ठीक है तो अपना फाइनली हम ख़त्म करते हैं उत्पम,
क्योंकि टेस्ट इसका बहुत ही औंधा है। सो गाइस फाइनली अपना फिनिश हो चुका है उत्पम और टेस्ट वगैरह बहुत ही गजब का बनाया था। आप भी आइएगा ट्राई करने, लेकिन जो लेयर वगैरह थी उत्पम की बहुत क्रिस्पी थी, खाने में मज़ा आया। और फिलहाल कानपुर में ज़्यादा उत्पम कहीं मिलता नहीं, डोसा तो आपको हर जगह मिल जाएगा लेकिन उत्पम फिलहाल बहुत कम मिलता है। तो आप भी तो आके ट्राई करिएगा, टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा और चटनी खाने में भी काफ़ी मज़ा आई, जो यहाँ की नारियल की चटनी। तो ठीक गाइस, हम लोगों ने फाइनली अपना उत्पम खा लिया और अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया आते तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट ब्लॉग में।